सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन गौ तस्करों के नए नए कारनामे सामने आते रहे हैं। कभी गौ तस्कर लग्जरी गाड़ियों में मवेशियों को बांध कर ले जाए पाए जाते हैं, तो कभी झुंड के झुंड जानवरों को बॉर्डर पार कराते दबोचे जा रहे हैं। ताज़ा मामला कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो हुचुकडी के समीप का है, जहाँ रविवार तड़के पिकअप वैन और हाईवा में टक्कर होने के बाद पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दर्जन भर गायें लदे थे। सभी गाय पैरों में रस्सी बंधे होने के कारण वैन के नीचे ही दब गए। ग्रामीणों के सहयोग से पिकअप वैन को सीधा किया गया, उसके बाद गायों के पैरों में बंधी रस्सी को काटा गया, जिसके बाद स्वस्थ गाय जंगल की ओर चली गई, जबकि घायल गाय वहीं पड़े रहे। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने कपाली ओपी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कपाली ओपी पुलिस सभी गायों को अपने साथ पीओपी ले गई, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। बताया गया कि हाईवा जमशेदपुर से चांडिल की ओर और पिकअप वैन चांडिल से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज सुबह 5 बजे फोन किया यहाँ कि यहाँ एक पिकअप में गाय लदा पलटी हुई, सुन ना पाए तो फिर हम आए देख रहे हैं। दुकानदरबड़ा से इधर कोपाली तरफ जा रहा था, 10-12 गाय लदा हुआ था, गाय का चारों पर बंधा हुआ था, तो पलटी होके गाय फेंका गया गाड़ी से दब गया। तो स्थानीय ग्रामीण ने उसको आके तुरंत गाड़ी को सीधा किया, उसके बाद सबको दरबार का पैर काट के सबको। घटना कहाँ पे हुई है? घटना ये हुचुकडी डोबो गांव को बोला। अच्छा, हाईवे का साथ जो टक्कर हुआ इसमें किसी का कुछ चोट उट लगा है क्या? नहीं, किसी का चोट नहीं लगा, लेकिन हाईवे अपना साइड में जा रहा था। हाँ। ये बहुत रफ्तार से आ रहा था, पिकअप ने इसको टक्कर, पिकअप वैन की गलती है। और पिकअप वैन का ड्राइवर जैसे पार्टी मारा वो भाग गया। पिकअप वैन में कितना गाय लदे थे? 11। और बाकी गाय सब कहाँ हैं? बाकी गाय सब जैसे छोड़ दिया, पैर काट दिया, वो सब इधर उधर भाग गया। नाम क्या है? मेरा नाम हरेंद्र सिंह। ठीक है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।